Hello students, in this video we are going to talk about the whole family of models. In two videos I have taught the models part wise, but in this video we are going to study the whole models. The very first family of models in which we have to represent the first one, that is can. Hindi mein ise apan bolte hain sakta hai, sakti hai. Agar hum log iske use ki baat karte hain, iska use aapko bataya tha ability ke liye, capacity ke liye aur giving permission mein. एबिलिटी का यदि आप लोग एग्जांपल लेना चाहें तो आप लोगों को बता दिया था कि कोई भी काम जब आप मानसिक तौर पर कर सकते हैं तो उसे हम लोग एबिलिटी के अंदर कंसीडर करेंगे. कैपेसिटी, आप जब भी कोई काम सारी रूप से कर सकते हैं तो उसे हम लोग कैपेसिटी के अंदर रखते हैं. आपको परमिशन के लिए भी बता दिया था, परमिशन देते समय हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कैन का. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मे, यदि हम लोग मे की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, सेम वही सकता है, सकती है. पर अंतर कहाँ आ जाएगा, जो इसका यूज़ किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए. सेकंड, इसका यूज़ किसके अंदर किया जाएगा, ब्लेसिंग्स के लिए. और थर्ड वन जो इसका यूज़ किया जाएगा वो किसके लिए किया जाएगा, फॉर टेकिंग परमिशन. एग्जाम्पल भी बताया था मैंने आपको, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन. हाँ तुम अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इन. इजाजत मांगते समय हम लोग मे का यूज़ करेंगे और देते समय किसका यूज़ करेंगे, कैन का. ब्लेसिंग्स में आपको इसका यूज़ बताया था आप लोगों को, जब भी कोई भी दुआ आशीर्वाद या प्रेयर की जाएगी तो किसका यूज़ किया जाता है, उसके अंदर मे का यूज़ किया जाता है. और आप लोग किसके अंदर बात करेंगे, इसका पॉसिबिलिटी, संभावना के अंदर. मैंने एग्जाम्पल लिया था, बरसात हो सकती है, इट मे रेन, पिताजी घर जल्दी आ सकते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल जो कि संभावना पर रहते हैं. ट्रेन जल्दी आ सकती है, ट्रेन के अराइव लेट, जो भी है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल इसी में कंसिडर किए जाते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कुड, यदि हम लोग कुड की बात करें तो कुड का जो प्रयोग किया जाता था उसका मतलब क्या था, सकता था, सकती थी. कैन का पास्ट होता है, जितनी भी चीज़ें कैन के अंदर की थी उसको पास्ट में यदि पढ़ना होगा तो हम लोग कुड का यूज़ करेंगे. एक और यूज़ होता था आपका कुड, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यूज़ किया जाता है. माइट, माइट की हम लोगों ने आपको बता दिया था, मे का जो पास्ट होता है उसी को अपन लोग माइट कहते हैं. इसका भी यूज़ मे की तरह ही बिल्कुल किया जाता है, बट इन फॉर्म ऑफ पास्ट. पॉसिबिलिटी, संभावना यदि पास्ट के अंदर है तो इसका यूज़ किया जाएगा. एग्जाम्पल, बरसात हो सकती थी, माइट, हो सकती है, मे का यूज़ करेंगे. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अब हम लोग सेकेंड फैमिली की बात करते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड फैमिली, सेकेंड फैमिली में किसका यूज करना था, विल और शैल का. दोनों का मतलब क्या क्या था पहले, गा, गी और गे. आपको बताया गया था सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करना है और फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यूज करना है आपको, शैल का यूज. अब बात आती है कि पहले विल और शैल, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन कौन कौन से होते हैं. अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है आपका, आई और वी. यदि आप लोग सेकेंड पर्सन की बात करेंगे तो कौन सा होगा आपका, यू. थर्ड पर्सन बात करें तो ही, शी, दे, इट, एटसेट्रास. आई और वी के साथ आप लोग सेल यूज करेंगे बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन है. और सेकंड पर्सन के साथ में हम लोगों को किसका यूज करना होगा, ऑब्वियसली आपको विल का यूज करना होगा सेकंड थर्ड पर्सन के साथ. लेकिन जब भी किसी वाक्य में धमकी, निश्चय, अनिवार्यता और मजबूरी दी हो तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आगरा जाऊंगा, जाऊंगा लास्ट में गागी आ रहा है तो मतलब विल शैल में से यूज करना होगा. मैं के लिए आई, आई किस कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ क्या यूज करना होगा, आई के साथ शैल, आई शैल गो टू आगरा. यदि इसमें अवश्य वर्ड यूज किया जाए, मैं आगरा अवश्य जाऊंगा, तो अवश्य आने के कारण इसमें क्या हो गया कि निश्चय कर लिया है. तो इसके अंदर फिर हम लोगों को हेल्पिंग को चेंज करनी होगी, जहां शैल लगता है उस जगह पर क्या लगेगा, विल. तो यहां हम लोग बोलेंगे आई विल गो टू आगरा. बहुत सारे हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, तमाम धमकियों में भी इसका यूज किया जाता है, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, I will. इसके अलावा हम लोग बात कर चुके थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. आई होप ऑल द पर्सन आर क्लियर टू यू. अब हम लोग बात करते हैं वुड और शुड की. मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था वुड पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, वुड विल का पास्ट होता है और ऑफर में भी इसका यूज कर सकते हैं. पास्ट अर्थात कहाँ यूज किया जाएगा, ये नरेशंस के अंदर. जब भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की बात चलेगी तो वहां इनका यूज किया जाता है. ये शुड, गागी का, ये किसका पास्ट होता है, सेल का. इसका भी यूज इसी के अंदर फॉर्म में किया जाता है. अब हम लोग बात करते हैं थर्ड फैमिली की. जब थर्ड फैमिली की बात आती है तो थर्ड फैमिली के अंदर कौन सा है, पहला आता है इसके अंदर शुड. ये वो वाला शुड नहीं है, दूसरा शुड है. इस शुड का यूज होता है चाहिए. जब भी कोई भी काम अपनी इच्छा पर या एडवाइस देते हैं हम किसी को तो उस समय इस शुड का यूज किया जाता है. आई थिंक तुम्हें खाना खाना चाहिए, सामने वाले की इच्छा है नहीं खाना हो तो वहां इसमें एडवाइस दे रहे हैं तो इस जगह अपन लोग शुड का यूज कर सकते हैं. मस्ट, जब भी बात मजबूरी की आएगी तो इसके अंदर किसका यूज किया जाएगा, मस्ट का. ये भी इसका ही मतलब चाहिए होता है. जब भी कोई बात मजबूरी की आएगी तो इसके अंदर इस मस्ट का यूज किया जाएगा. अगर हम लोग बात करें ऑट टू की, ऑट टू मतलब भी चाहिए. नैतिक जिम्मेदारी, आदर सम्मान में इसका प्रयोग किया जाता है. जब भी नैतिक जिम्मेदारी, जो हमारी मोरल ड्यूटीज है उसकी बात की जाएगी तो ऑट टू का यूज करेंगे. जैसे कि राष्ट्रगान के समय में खड़ा होना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी ऑट टू स्टैंड एट द टाइम ऑफ नेशनल एंथम. तो जब भी, और आदर सम्मान, जब भी आदर सम्मान की बात आएगी तो किसका यूज करना होगा, ऑट टू का. एग्जाम्पल है इसका, तो इसके लिए अपन लोग बोल सकते हैं
कि हमें अपने पिताजी के पैर छूने चाहिए, हमें अपने गुरुओं की बात माननी चाहिए। तो यहाँ जब आदर सम्मान की बात आई तो उसमें भी हम लोगों को ought to का यूज़ करना होगा। ये आपकी थर्ड फैमिली थी जिसमें मॉडल्स के अंदर। अब हम लोग ने बात की थी फोर्थ फैमिली जिसके अंदर मॉडल्स रखे थे। इसके अंदर पहला जो मॉडल था उसे किस नाम से बोला गया था? यूज़ टू, करता था, रहता था। इट शोज़ ओल्ड हैबिट, पुरानी आदत को ये दर्शाएगा, जिसका आप लोग यूज़ कर सकते। बता दिया था एग्जांपल लेकर के, मैं रोज़ दौड़ने जाया करता था, मैं सुबह जल्दी नहाया करता था। तो इसके अंदर जो यूज़ टू प्रयोग किया गया है ये करता था, रहता था, पुरानी आदत को शो करेगा। नीड नॉट, जरूरत नहीं। यदि नीड अकेला आता है तो वो वर्ब में होगा, लेकिन जब नीड के साथ में नॉट का भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो इट शोज़ दैट इट इज़ यूज एज अ मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। जब भी किसी भी काम की करने की जरूरत नहीं होगी तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? नीड नॉट। अगर हम लोग बात करें डेयर, हिम्मत और साहस, जब भी हिम्मत और साहस के लिए यूज़ करना हो तो हम लोगों को डेयर का यूज़ करना होगा। हाउ डेयर यू टू कम हेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल कंसिडर किए जाते हैं। ये जो यूज़, नीड और डेयर, ये तीनों की तीनों एक वर्ब फॉर्म है, तो इनके साथ में जब आप लोग दूसरी बार यूज़ करेंगे तो इसमें टू प्रेफर किया जाता है। जैसे कि यूज्ड टू ऑटोमेटिक लगा दिया था, नीड के साथ में भी आपको टू लगाना होगा। जैसे कि एग्जांपल लें, देयर इज नो नीड टू कम हियर, नो नीड टू कम हियर। तो आप लोग बोलते हैं देयर इज, इट नीड नॉट टू वर्क। तो जब भी हम लोग नीड नॉट के साथ में किसका यूज़ करेंगे? टू का। डेयर के साथ में भी करते हैं, हाउ डेयर यू टू, टू यूज़ किया। तो ये सारे के तीनों के साथ में अपन लोग टू का प्रयोग करेंगे। आई होप ऑल द मॉडल्स आर क्लियर टू यू। इसके अलावा हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के मैंने आपको यूजेस बता दिए थे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज़।